अब सशस्त्र बल और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तनाव के साथ घाटी में सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला बढ़ने के बीच सेना के छोटे हथियारों की खरीदारी पर बड़ा फैसला किया गया है। रक्षा खरीद परिषद ने छोटे हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन हथियारों की खरीद से जुड़े 15,935 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान के साथ लगातार चल रही तनातनी को देखते हुए सैन्य खरीद का ये फैसला लेना सेना की रणनीतिक ताकत में बढ़ोतरी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तीनों सेनाओं को 12,280 करोड़ रुपए की लागत से असॉल्ट राइफलें खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा सौदे के इस अहम फैसले में सबसे बड़ी खरीद 7,40,000 असॉल्ट राइफल की खरीद है। 982 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,719 स्नाइपर राइफल और लाइट मशीन गने भी खरीदी जाएंगी। इन हथियारों की खरीद तीनों सेनाओं के लिए होगी। डीएसी की मंजूरी के हिसाब से 1,819 करोड़ रुपए लाइट मशीन गन की खरीद पर खर्च किए जाएंगे। इनकी खरीद रक्षा मंत्रालय की फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रिया के तहत की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक के अलावा बाकी सभी राइफलों की खरीद उन्हें भारत में बनाने की नीति के अनुसार होगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और निजी कंपनियों के जरिए असॉल्ट राइफल निर्माण को सिरे चढ़ाया जाएगा। इन राइफलों की खरीद और निर्माण की परियोजना पर 12,280 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।